गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर अपनी तरह का पहला आर्च ट्रस गार्डर डिजाइन ब्रिज वायल ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। ट्रस और आर्च ब्रिज एलिमेंट्स और गार्डरों के एक यूनिक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके बनाया गया पुल है। गांधरबल के लोगों के लिए यह एम लिंक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो पुराने सिंगल लेन पुल की जगह लेगा, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम की वजह से देरी होती थी। प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने पुल का ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा कर लिया है। अप्रोच और अन्य फिनिशिंग वर्क सहित शेष कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है और जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने कहा कि यह एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग उपलब्धि है जो आने वाले कई दशकों तक इस क्षेत्र की सेवा करेगी। डेक का समर्थन करने के साधन के रूप में आर्क ट्रस गार्डर डिज़ाइन और गार्डर्स का इस्तेमाल एक इनोवेटिव अप्रोच है जो इस पुल को क्षेत्र में एक लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा। पुल को जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इसे फाइनल टच दे रहे हैं और जब यह पूरा हो जाएगा तो यह सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। डिटेल्स के लिए एक ऑफिशियल प्रीव्यू के मुताबिक दो लेन का पुल 110 मीटर के स्पैन और 10.50 मीटर की चौड़ाई के साथ वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड किया गया था और ये 23.79 करोड़ रुपए की कॉस्ट से तैयार हो रहा है। क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में यह एक प्रमुख डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि अप्रोच रोड की लंबाई 330 मीटर और इस पुल की खासियत यह है कि इस पर एक ही वक्त में दो वाहन गुजर सकते हैं। सोनमर्ग, नारनग और श्री अमरनाथ जी गुफा सहित कई प्रसिद्ध पर्यटन और तीर्थस्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को भी नए पुल से फायदा होगा। इसके पूरा होने के करीब आने के साथ वैली पुल का गांधरबल जिले के लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना तय है, जिससे क्षेत्र के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत ही जरूरी अपग्रेडेशन दिया जा सके। आपको बता दें कि कश्मीर के ज़्यादातर पुलों का खराब डिज़ाइन है, इस प्रकार यह पहला ऐसा पुल है जो स्थानीय और आगंतुकों दोनों को आकर्षित करता है। सिंधु नदी इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे बहती है, जिसने क्षेत्र की सुंदरता में सुधार किया है। मैं DDC मेंबर सजाद दुरानी हूँ। जो ये नया ब्रिज बना हुआ है, इसका हम LG साहब का बड़ा शुक्रगुजार है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। इससे लोगों को राहत पहुँचेगी। हमारी यहाँ पर जो पिछले 30 सालों से हमारी 4-4 घंटे एम्बुलेंस फंसी रहती थी, बड़ा शुक्रगुजार हूँ LG गवर्नमेंट का और जिसमें ये इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बहुत बहुत काम किया है और हमारी जो R&B डिपार्टमेंट का उनका भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये इसमें पुल में बहुत जल्द ये काम हो गया। एक साल में ये पूरा हो गया। आने वाले वक्त में ये लोगों के लिए राहत बन जाएगी। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें करियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है करियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।